आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर और जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। ठीकरी ग्राम मंडवाड़ा में बर्तन बेचने आने वाली एक महिला ने गांव की महिलाओं को सम्मोहित करके लाखों रुपए के आभूषण ठग ले गई। इस बर्तन बेचने वाली महिला ने कई महिलाओं को झांसे में लिया और सोने चांदी के आभूषणों को दो दिन अपने पास रखकर उसके एवज में पैसे का लालच दिया। महिलाएं उसकी बातों में आ गई और आभूषण निकालकर उसे दे दिए। इसके बाद एक के बाद एक ये महिला आभूषण दो दिन बाद लौटाने का वादा करके चली गई। दो दिन गुजरने और उसके ना लौटने पर ठगी का एहसास हुआ तो महिलाओं ने परिजनों को जानकारी दी। मंडवाड़ा की पीड़ित महिलाएं संबंधित महिला के फोटो लेकर देर शाम अंजर थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष पति बलराम धनगर के मुताबिक संबंधित महिला द्वारा लक्ष्मीबाई पति शिवराम धनगर, भागुबाई पति कालूराम धनगर और रामकौर बाई पति किशन धनगर ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की ठगी की बताई गई। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम धनगर। कहाँ रहते हो? वर्तमान में ग्राम मंडवाड़ा से उपसरणपति। आप लोग अभी थाने पर क्यों आए हो? एक महिला हमारे अज्ञात महिला आई थी गांव में, उन्होंने ग्राम की हमारे समाज की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है। अच्छा। और उनके सोने चांदी के आभूषण लेके फरार हो गई है। किसने आपके साथ ठगी की है? एक अज्ञात महिला है, वो कम से कम एक हफ्ते से हमारे गांव में आ रही है, जो बर्तन देकर नए पुराने बर्तन मतलब पुराने बर्तन ले जाती और नए बर्तन दे जाती थी। इसी के चक्कर में हमारे सभी ने आभूषण दे दिया उनको पैसे के लालच देकर, कल आपको पैसे देकर और आपके आभूषण भी वापस लौटा देंगे। एक स्कीम आपर देके आपर के चक्कर देके उन्होंने धोखाधड़ी की है। कितने का नुकसान पहुंचा होगा? करीबन ये 1 लाख के समथिंग का नुकसान है। जो रकम लेकर महिलाएं गई है उसकी आज की बाजार में कीमत कितनी होगी? 1 से 1.5 लाख अनुमानित है, अनुमानित 1 से 1.5 लाख रुपए है। आपको इस बात की जानकारी कैसे लगी? हमको आज ग्राम से फ़ोन आया था और हमारे समाज की महिलाओं ने फ़ोन लगा के बताया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी धोखाधड़ी हुई है, तो उसके संबंध में हमने उनसे जानकारी लेकर आज थाने पर शिकायत की है। ठगी करने वाली महिलाओं की पहचान हुई है क्या? हाँ, उनकी कुछ फोटोग्राफ और वीडियो है, उसके आधार पर हमने थाने पर शिकायत डाली और उनको वीडियो फुटेज और फोटो उपलब्ध